दोस्तों, आपके पास अगर कोई वेबसाइट है, आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, या आपके पास कोई आपका यूट्यूब चैनल है और उस पर मोनेटाइजेशन ऑन है और आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई अर्निंग करते हैं, तो वो आपको एडसेंस के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बैंक खाते को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में कैसे लिंक करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। पहले तो हमें ये समझ लेना है कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने एडसेंस से कब जोड़ सकते हैं। आपकी वेबसाइट, ब्लॉग या यूट्यूब से जो अर्निंग जनरेट हो रही है, वो अर्निंग अगर $10 के ऊपर पहुँच चुकी है तो आप अपने एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी जो टोटल अर्निंग है दैट इज़ $16.32। दैट मीन्स अभी मैं अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस में ऐड कर सकता हूँ। अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस में ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर हमें तीन लाइन दिख रही होंगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पेमेंट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर मंथ वाइज अर्निंग आपको दिख रही है। राइट हैंड साइड पे आप यहाँ देखेंगे हाउ यू गेट पेड, यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके बैंक से रिलेटेड वो यहाँ पर दी हुई है, उसको हम वन बाई वन करके फिलअप कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो बेनिफिशियरी आईडी, दिस इज़ ऑप्शनल, आपके पास अगर है तो आप फिलअप कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम यहाँ पर उसको क्लियरली यहाँ लिख देंगे। इसके बाद बैंक नेम, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है उसका नाम यहाँ डाल देंगे। IFSC कोड आपको पूछ रहा है, IFSC कोड आपके ब्रांच का कोड होता है तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है ईज़िली, या अपने ब्रांच में आप फ़ोन करके वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है स्विफ्ट बी आई सी, बेसिकली जो इंटरनेशनल फ़ंड ट्रांसफ़र होती है उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ये आप अपने ब्रांच में जा कर के वहाँ से ले सकते हैं, ओवर टेलीफोन ले सकते हैं, या आपको ऑनलाइन भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। तो स्विफ्ट BIC यहाँ पर हम डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर एंटर करना होता है। आपको फिर से आपका अकाउंट नंबर एंटर करना है। यहाँ पर नीचे इंटरमीडिएट बैंक की डिटेल आपसे पूछी जा रही है, दिस इज़ ऑप्शनल, इसके अगर आपके पास इंटरमीडिएट बैंक की डिटेल है तो आप फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है FFC और FBO, ये डिटेल अगर आपके पास है तो आप फिलअप करिए, अदरवाइज इसे आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है सेट एस प्राइमरी पेमेंट मेथड, तो इसे आप टिक कर दीजिए प्राइमरी पेमेंट मेथड के तौर पर और यहाँ पर सेव का ऑप्शन, इसे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड कलर के बैकग्राउंड में वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करानी है, वेरीफाई नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। ये पेज ओपन होकर के आ गया है जिसमें लिख रहा है यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम गूगल एडसेंस, आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी है गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव करने के लिए। You won't be able to edit your name after submitting documents or after your identity is verified. आप अपना नाम एडिट नहीं कर पाएंगे एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद में। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, जिसमें एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चार में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, गूगल एडसेंस पेमेंट के लिए आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा, आपको इसी चार आइडेंटिटी प्रूफ में से किसी एक प्रूफ को सबमिट करना है। नीचे यहाँ पर आ रहा है अपलोड का ऑप्शन, अपलोड पर हम क्लिक करेंगे।
ये डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया हुआ है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये सबमिट का जो ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, द प्रोसेस में टेक अ फ्यू डेज, वी विल ईमेल यू द रिजल्ट, इफ वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी यू विल नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स अगेन, यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आपको लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट को रीवेरीफाई कराने के लिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं किया जाता है गूगल एडसेंस टीम के द्वारा। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस, आपको किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस अकाउंट में ऐड करेंगे और अपना जो आइडेंटिटी है उसको किस तरीके से आप वेरीफाई कराएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सुझाव हो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।